नमस्कार दोस्तों, इंडियन किसान चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त महेश चौधरी, फिर से हाजिर हूं एक नई वीडियो लेके। दीप डेयरी फार्म पे वीडियो है दोस्तों, जिसके ओनर साहब हमारे साथ हैं। हम उनसे पूरी जानकारी लेंगे, वो कितने साल से पशुपालन कर रहे हैं, कैसे स्टार्ट किया था, अभी किस हाल में है उनका फार्म। वो अभी बन्नी पे काम कर रहे हैं दोस्तों, बन्नी भैंसों पे काम कर रहे हैं। एचएफ गाय उनके पास 2-3 ही हैं और काप ज़्यादा है, तो हम पूरी जानकारी उनसे लेंगे दोस्तों। उससे पहले चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पसंद आए तो लाइक करना ना भूले, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना ना भूले दोस्तों। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो नमस्कार, हमारा फार्म ब्यूरो बधाने के लिए आपके चैनल इंडियन किसान को जो देखते हैं उनको मेरा राम राम। मेरा नाम है प्रवीण चौधरी, गाँव का नाम है बादरपुरा, तहसील पालमपुर और बनासकांठा, और मैं गुजरात से बिलोंग करता हूँ। तो सर, आप, मैं देख रहा हूँ कि आपकी काफ़ी अच्छा डेयरी फार्म है। आप अभी भैंसों पे, तो कितने साल से आपने जब डेयरी फार्म शुरुआत कहाँ से की, उसके बारे में बताइए। शुरुआत तो हमारे बाप दादा की पहले थी, भैंसों की थी, और बाद में हमें बनी नस्ल से तकरीबन 15 साल से काम कर रहा हूँ मैं, और सभी ब्रीडिंग पर ही काम है मेरा। तो आपने जब, आप बता रहे थे आपके मदर फादर जब स्टार्ट था तभी से बन्नी पे आप काम कर रहे हैं, या आप आने के बाद ही बन्नी पे स्टार्ट? हाँ, पहले हमारे फादर जो भैंस रखते थे ना, वो हमारी इधर की लोकल भैंस थी, आसपास की भैंस थी, और हमारे घर पर भी उशिर था उसका। और बाद में हमने सोचा कि बनी नस्ल पर काम करना चाहिए, तो हम पहले 15 साल पहले हम बनी में एक बुल और 2 भैंस लाई थी, और बाद में धीरे धीरे हमारे फार्म पर ब्रीडिंग करने के बाद आगे आगे काम, तो ब्रीडिंग करके आप यहाँ तक पहुँचे। तो सर, आप अभी आपके पास कितनी भैंसे हैं? हमारे पास तकरीबन अभी तो 8 भैंस है मेरे पास। बड़े भाई के पास 9-10 भैंस है, और छोटे बच्चे कटड़िया मिलकर 15-20 कटड़िया है हमारे पास। 15-20 कटड़िया और 20 जितनी भैंसे हैं? हाँ, 20। तो आप जो आपके भाई का बता रहे हैं, वो भी आपकी ही नस्ल, मतलब पहले लाए थे वहाँ? हमारे दोनों भाई के बीच एक ही बुल हम खरीद कर लाए थे बनी में से, और एक ही काम, एक जैसा ही काम हुआ था, मतलब एक ही डेयरी फार्म कह सकते हैं। हाँ, दोनों का पार्ट अलग अलग रखा हुआ है, अलग अलग रखा है। तो सर, आप बनी, क्योंकि यहाँ की महसाणी भैंस जो हम बोलते हैं आप लोकल, उसमें और इसमें क्या डिफरेंट आता है, क्योंकि काफ़ी कम पशुपालन में बनी यहाँ है, तो आप बनी पे काम कर रहे हैं? बन्नी में काम करने, बन्नी के पीछे काम करने का एक ही है कि जो बन्नी नस्ल है ना, वो शांत स्वभाव की ज़्यादा आती है और लॉन्ग टाइम दूध देती है। हमारी मेहसाणी भैंस जो गाभण होने के बाद 4-5 महीने वो लात मार देती है, और बन्नी में ये कोई तकलीफ नहीं है। और पिछले 15 साल से मैं बन्नी को, भैंसों को मेरे फार्म पर लगभग HF गाय की तरह 8-9 महीना ट्राई करता हूँ मैं। और उसको, मतलब जब उसको ट्राई करते हैं तभी होती है? तब होती है। तो सर, आप जो ब्रीडिंग आपने किया, तो बुल आप वहाँ से लाए थे? बुल तो मैं बनी से ला, गुजरात के अंदर प्योर बनी का बुल का कोई सीमन ही नहीं है। जो आजकल जो मार्केट में सीमन चल रहे हैं कि बनी के नाम पर, वो मैं वो बनी मानता ही नहीं हूँ। हमारे यहाँ से एक पंजाब के अंदर बुल गया है LDF फार्म पर, वो बनी के नाम पर सीमन चलते हैं गुजरात में, लेकिन वो बनी बुल है ही नहीं। वो भी बन्नी बुल नहीं है? वो बन्नी बुल है ही नहीं। तो मतलब बन्नी पे अगर कोई काम करना चाहता है तो उसे बुल ही रखना पड़ेगा? बुल ही रखना पड़ेगा, अभी तक सीमन बना नहीं है। और पहले मेरे फार्म से एक छोटा बच्चा है 6 महीने का, जिसकी माँ का दूध है 21 लीटर, वो हमारी बनास डेयरी इस साल ले जाने वाली है, और 2 साल में उसका सीमन आ जाएगा हमारी डेयरी तरफ से। तो मतलब आपके यहाँ से गया है, तो वो मेरे खुद का बुल का है, और उसकी माँ ही बनी की है प्योर। तो सर, जो आप अभी, क्योंकि 15 साल से हैं तो आप काफ़ी आगे चले गए, तो अभी आपके पास जो पशु है वो कितना मिल्किंग वाली है? भैंस में ज़्यादातर 20 लीटर तक मैं पहुँचाऊँ, 20-21 लीटर तक बनी नस्ल प्योर बनी तक, और मिनिमम फर्स्ट टाइमर जोटी 14-15 लीटर तक। फर्स्ट टाइमर आती है वो 14-15 लीटर, मतलब दिन का, सॉरी, सुबह का 7, शाम का 7, शाम का पूरा दिन का। और मेरे फार्म से एक बनास डेयरी में 2019 में जो रिकॉर्ड हुआ था, फर्स्ट टाइमर जोटी का 70 लीटर 300 ग्राम दूध है। 17 लीटर 300 ग्राम पूरे दिन का। बन्नी
की देखभाल कैसे करनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी पशुपालन ला देते हैं लेकिन उसको देखभाल में तकलीफ रहती है, कि उसको खुला रखना चाहिए, बांध के रखना चाहिए, क्या किस तरीके से करेंगे तो अच्छी तरीके से मतलब दूध भी देगी और ब्रीडिंग में भी अच्छी कोई रिपीट का इश्यू नहीं आएगा। पहला तो मैं बता दूँ, जो हमारे बनी जंगल है ना, वो भुज कच्छ भुज में आया है और वहाँ पे जब भी पशु जो मालधारी है ना वो खुला रखते हैं, कभी भैंस दोने के लिए खाली बांधते हैं और वहाँ पर खुले ही में बनी रहती है। किसी फार्मर को अगर बनी रखना है तो उसको खुला रखना ज़रूरी है। अगर एक तबेले में बांध गई तो वो भैंस फैल जाएगी, दूध में ज़्यादा तक लॉन्ग टाइम तक दूध नहीं देगी। और हमारा यहाँ पर खुला वाड़ा है बाहर का, और इस महीने में एक ही महीने में ही अंदर हमें लाई है, कारण कि गर्मी ज़्यादा थी इसलिए, क्योंकि हमारी भैंस 24 कलाक खुले में रहती है। तो सर आप उसका डाइट भी हमें बताइए। डाइट में तो सुबह में हम सूखा चारा देते हैं और बाद में हरा चारा देते हैं और शाम को सूखा चारा, और दोनों टाइम जो हम दाना देते हैं वो तो दोनों के समय दाना दे देते हैं सुबह और शाम तक। तो पूरे दिन का एक भैंस का अगर हम बता लें कि पहले लैक्टेशन में है और उसका 15 लीटर दूध मान लीजिए, तो उसका क्या डाइट है कि कितना हरा चारा आएगा, कितना सूखा चारा आएगा, कितना दाना आएगा उसको? दाना तो हम जो दूध पर डिपेंड करते हैं, जितना दूध देता है, और जो सूखा लीला चारा है सूखा चारा है हमारे फार्म पर अभी तक तो हमने कोई वजन नहीं किया है। जो उसका माप है अंदाजे हमारा गुजरात का माप है सभी खेडूत का, वही हम डाल देते हैं। तो मतलब 30 किलो के आसपास? हाँ, 30 किलो के आसपास रहता होगा। इस बार तो हरे चारे की थोड़ी शॉर्टेज रही है, क्योंकि पानी 2-3 साल से बारिश की दिक्कत है, इसीलिए हरा चारा कम मिल रहा है। तो सर आप जब से बन्नी भैंसे लाए, मेहसाणी अच्छी थी, बन्नी ही आपने चुना? हमारे सबसे पूरे भारत में सबसे अच्छा तो हमारा गुजरात है, जो हमने भगवान ने सभी नस्लें दी है, और बफेलों में हमने जाफराबादी दी है, बन्नी नस्ल दी है, और कांकरेज गाय के अंदर कांकरेज दी है, गिर दी है। दूसरे राज्यों में ऐसा जितना हमारे गुजरात को दिया है ना पशु, इतना नस्लें 12 स्टेट में नहीं है। हर राज्य की एक ही नस्ल है? हाँ, एक ही नस्ल है। हरियाणा में एक ही है, मुरा है, दूसरी कोई नस्ल नहीं है। हमारे गुजरात के अंदर तो जाफराबादी है, पशी मेहसाणी है, बन्नी है, लेकिन हमारे यहाँ पर क्या है, पशु जागरूक नहीं है, इसलिए हमारा बन्नी का इतना चाहे इतना प्रचार नहीं हुआ है। तो सर आप मैं भी यही इस वीडियो के माध्यम से बता दूं कि दोस्तों अगर कोई किसान साथी देख रहा हो और उनके पास भी अगर बन्नी हो तो वो मेरे से कांटेक्ट कर सकता है, हम उनकी भी वीडियो बनाएंगे और हम बन्नी में थोड़ा आगे किसान साथी जाए, क्योंकि मेहसाणी नस्ल थोड़ा दूध कम देती है। और तो सर इसके बारे में बताइए कि कितना दूध देती है, अगर आप बता रहे हैं कि 20 लीटर तक जाती है तो 17-18 लीटर भी मिल्क होता है, तो उसका फैट क्या रहता है? मेरी इस साल मेरी एक बनास डेयरी में रिकॉर्डिंग हुई भैंस, वो भैंस है वो, और उसका दूध 70 लीटर के आसपास मैंने उसका रिकॉर्ड किया है। लेकिन सबसे आज तक जो बनास डेयरी में भैंसें जो रिकॉर्ड में हुई है ना, उससे ज़्यादा इस भैंस का फैट है, 8 फैट 9 दूर के आसपास है। एक पिक लीवर इस तरह का था, क्योंकि अभी तो ड्राई पेड़ पर चल रही है। हाँ, जब मतलब ब्याई हुई थी तब ऐसा आर्डर देख सकते हैं दोस्तों आप। तो सर दूसरी के बारे में हमें जानकारी दीजिए। ये दूसरे इलेक्ट्रिशन में है, प्योर बनी, और उसका दूध 16-17 लीटर वो भी दूध देती है। और उसका अभी मतलब अभी कितना है उसका? अभी तो 6 महीने की गाभण है, 7वां महीना चालू हुआ है, और टक्का 5 पूरे दिन का 10 लीटर दूध अभी। पूरे दिन का 10 लीटर। इसके बारे में जानकारी? वो बनी नस्ल में नहीं आएगी। हाँ हाँ, वो उसका बाप था वो बनी था, लेकिन भैंस हमारी यहीं की लोकल थी, इसलिए वो क्रॉस ब्रीडिंग है। उसको मैं बनी नहीं बोलूँगा, लेकिन दूध में अच्छी है, लॉन्ग टाइम तक दूध देती है। तो कितना दूध है अभी उसका? अभी तो वो 5 महीने की गाभण है, और 7-8 महीने तक बच्चा दिया था पहले, अभी तक दूध देती है। अब वो तो ड्राई करनी पड़ती है। इसके बारे में
इसके बारे में बता दूँ, वो हमने दद्दर से बनी से प्योर बनी से ख़रीदी थी फर्स्ट टाइमर, बच्चे के बिना, बिना बच्चे के, हाँ बच्चे के बिना। और यहाँ पे आकर 3 दिन तक तो 1 लीटर भी दूध नहीं दिया था, और बाद में 7-7.5 लीटर एक टाइम का, यानी 15 लीटर दूध दिया था। और दूसरी बार जब तैयार हुई तो इस तरह की बनी थी, इस तरह की बनी थी। और ज़्यादा बात तो मैं नहीं कर रहा हूँ चैनल के द्वारा, लेकिन हमारा एक मित्र है, उन्होंने 1,75,000 में उसको मांग की थी। हाँ, फिर भी आपने नहीं दी है? नहीं दी थी। तो अभी वो कौन से इलेक्ट्रेशन में है? दूसरे इलेक्ट्रेशन में, दूसरे इलेक्ट्रेशन में। और 1,75,000 में भी उसकी मांग की, मित्र ने मांगा था लेकिन सर ने नहीं दिया है। जो बनी जानता है वही मांग सकता है। हाँ, लेकिन हमारे यहाँ पर तो 60-70 वाली ही मानते हैं, जो आने वाले लोग हैं 60-70 जो मतलब पहचान काफ़ी है कि जो बनी की जो पहचान है हमारे, एक सोने की जो अच्छे अच्छे ब्रीडर है हमारे मोहन भाई देसाई, ऐसे लोग ही उसकी पहचान कर सकते हैं, लेकिन सभी पशुपालक इसकी पहचान नहीं कर सकते। तो सर हमें दूसरी पशु के भी बताते हैं उनकी। ये हमारी फर्स्ट टाइमर हमारे घर की ब्रीड है, जो हमने पहले बुल लाया था। और इस बुल की सभी कटड़ियाँ 14, 15, 16 लीटर रखो। इसकी एक कटड़ी तो हमने बनास डेयरी में रिकॉर्ड करवाया था, हमारे बड़े भाई की कटड़ी थी, 26 महीने में बच्चा दे दिया था, और 70 लीटर 300 ग्राम दूध जी मैं बात कर रहा था उसके निकाला था। और वो फर्स्ट टाइमर में 2 दांत ने 14-15 लीटर दूध दिया था ये जूटी ने। और उसका पिक लेवर अभी तक तो ट्राई पर है, उसका पिक लेवर बहुत बढ़िया था सर की, अभी ड्राई में, इसीलिए सर हमें एक महीने के साथ दिखा दे जाते हैं कि कौन सा दूसरे टाइमर में एक दिन का ही। अभी ये कौन सी इलेक्ट्रेशन में है? दूसरे इलेक्ट्रेशन में गाभिन है। कितने महीने की गाभिन है? 9 महीने की, 1 महीना बचा है। तो अभी ड्राई में चल रही होगी? अब तो ड्राई कर दी है। हाँ हाँ हाँ। तो सर पूरी मतलब कितने महीने ड्राई रखते हैं सभी पशुओं को, या एक ही तरीके से कि 2 महीना 3 महीना, या हर भैंस का अलग अलग रहता है? अलग अलग रहता है, कोई 7 महीने, कोई वो फर्स्ट वाली भैंस है इस समय ज़्यादा ड्राई करनी है, क्योंकि आने वाले समय में ज़्यादा दूध दे, इसलिए हाँ दूध आपको ज़्यादा लेना है उससे। ये हमारी फर्स्ट टाइमर है, घर की ब्रीड है, और 12-13 लीटर तक फर्स्ट टाइमर में 2 आदत में बच्चा दे दिया था। 2 दांत में? आदत में, कोई दांत नहीं। हाँ, अभी 4 दांत में शायद दूसरी बार बच्चा दे देगी। देखिए दोस्तों, देखभाल अच्छी हो तो क्या नहीं हो सकता, इसका पूरा एग्जाम्पल हम देख रहे हैं सर के यहाँ। उसका पिक सर में ड्राई में चल रही है, इसीलिए उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जब वो पीक में थी, क्योंकि एक अच्छी वीडियो होने वाली है दोस्तों। वीडियो देखिए बहुत ही अच्छा, उसका आर्डर आप देख सकते हैं। और जब पीक में आती है तो बढ़िया तैयार 12-13 लीटर दूध दिया है। और वो हमारे माधवी फार्म पर जो बुल आया था हरियाणा से, हाँ, और हमारे हमने एक बेस वहाँ पर क्रॉस करवाई थी, और उसकी कटड़ी है, और प्योर मुरा तो नहीं बोल सकता मैं। तो उसको किसमें से क्रॉस करवाई थी? बन्नी में से मुरा में क्रॉस करवाई थी। लेकिन उसकी पूंछ जो हमारी बन्नी तरह छोटी आती है, इस तरह छोटी आई है, और आगे से थोड़ी मुरा में, उसका पिक लेवर भी अच्छा था। तो सर आपने ये क्रॉस करवाई, तो आप क्या मुर्रा में सिर्फ एक ही रखना चाहते हैं, या आगे कुछ मुर्रा के बारे में? मुर्रा भी नस्ल अच्छी है, लेकिन हमारी यहाँ की जो बनी ब्रीड है वो भी अच्छी है। तो मैंने सुना है क्योंकि मुर्रा में फैट की दिक्कत रहती है, ज़्यादा दूध में थोड़ी दिक्कत रहती है, तो ज़्यादा दूध देती है तो फैट में, और बन्नी में यही दिक्कत नहीं रहती? बन्नी में ये दिक्कत नहीं रहती है, 10 लीटर भी टाइम का दूध देती है। बन्नी में जो हमारा बन्नी से पहले हम लाते हैं ना, वो वहाँ पे भैंस थोड़ी कमज़ोर आती है, बोलते हैं दुबली बोलते हैं हमारे गुजराती में, और तब फैट में थोड़ी दिक्कत रहती है। तो मतलब जब खा के अच्छा सा उसको मिल जाता है, हाँ, सूखा चारा हरा चारा फीड वगैरह, तब
तो सर हमें आपकी कटड़िया दिखाइए, क्योंकि अभी जो आप तैयार कर रहे हैं इन सब की। और हमारी एक वो भैंस है जो जाफराबादी क्रॉस है, जाफराबादी क्रॉस है, इसीलिए उसके सींग बड़े बड़े हैं। सींग बड़े हैं और प्योर जाफराबादी नहीं बोल सकते मैं, क्योंकि उसकी माँ है ना, उसकी दादी प्योर जाफराबादी थी। इसके बाद हमने जाफराबादी सीमन नहीं मिला था, और हमने मैसोनी क्रॉस करवाई थी, तब तीसरी उसकी तीसरी बेटी है और वो आई है। उसका पीक लीवर 20 लीटर है और वो भी 2070 में उसका लगभग दूसरे लैक्टेशन में 70 लीटर आस के पास दूध दिया था इसने दिया था। और अभी ये कौन से लैक्टेशन में? चौथे लैक्टेशन में। और तीन बार तीन कटड़िया दी है मुझे, और तीन बार में तीन ही कटड़िया दी। कटड़िया हमारे बनीबुल से हमने क्रॉस करवाई थी, और वो दूसरे नंबर की कटड़ी है। हाँ, जो हमने देख ली है दूसरे नंबर की। हाँ, वो इसकी और दो कटड़िया यहाँ पर है। तो ये सभी ये हमारी बन्नी बन्नी प्योर बन्नी कटड़ी है, प्योर बन्नी बोलते हैं। ओके दोस्तों, अभी सर बता रहे हैं कि उनका हरा चारे की क्योंकि पानी की दिक्कत है, इसीलिए हरे चारे के न मिलने की वजह से थोड़ी दुबली हुई है। हाँ, थोड़ी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, इस बार कम हो गई, इस बार कंप्लीट हो जाएगी। और तो हमारे बन्नी में मोस उठा होता है कटड़ी में। और एक आगे बता दूं, मैं हरियाणा नस्ल की है, इसमें उसमें दोनों को क्या फ़र्क है, मतलब मुरा वाली जो आप बोल रहे हैं। और ये हमारे ये जाफराबादी भैंस की है, लेकिन हमारा ये बन्नी बुल की है। जाफराबादी भैंस की, लेकिन बुल उसको बन्नी गया है, बन्नी लगाया था, बन्नी की, उसका बाप बन्नी का है। हाँ, प्योर उसका बाप था ना, वो सभी कटड़िया उसके बाप ऊपर ही ले जाती थी। हाँ हाँ हाँ। तो सर आपके पास जो बुल था, जो अभी आप बता रहे थे कि अभी बुल नहीं है, तो उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी है, मैं बुल के बारे में जानकारी। मैं उसकी पांच कटड़िया मेरे पास है, वहाँ पर मैं जाकर बता दूँ, उसका अच्छा रिजल्ट मुझे मिला है। एक वो मुरा नस्ल की है, ये मुरा वाली है, ये मुरा वाली है। ओके दोस्तों, ये मुरा नस्ल की। दोपहर का टाइम है तो थोड़ा हम उसको डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, मुरा में मोस लंबा होता है और सींग में थोड़ी बन्नी से क्रॉस होता है पीछे जाकर। और हमारी ये मेहसाणी नस्ल, मेरे फार्म पर पहली मेहसाणी नस्ल है, एक ही मैंने सीमन रखवाया था। और वो जाफराबादी नस्ल की भैंस की कटड़ी है। तो सर हमें जो बुल के आपके रिजल्ट है वो बताए। जो हमारे पास बन्नी प्योर बन्नी का बुल था, मैंने अभी सेल किया है 1,01,000 में, और उसकी सभी कटड़िया है। पांच कटड़िया मेरे पास है और एक कटड़ी मेरे बड़े भाई के पास है, और ये सभी 7 महीने के 8 महीने के आसपास है। देखिए दोस्तों, 7-8 महीने की है, फिर भी बहुत ही अच्छी देखभाल के कारण। और सिंह उसका देखिए, मोह देखिए छोटा। तो सर आप बुल कौन से लाए थे, वो बन्नी वाला? हमने लाया थे बन्नी से, जो उड़का के पास सरगू गांव है वहाँ से हमने खरीदा था। प्योर ही बन्नी था। उसका फ़ोटो में भी लिंक में डाल देता हूँ। तो हम सर हमको फ़ोटो देंगे तो हम स्क्रीन पर डाल देंगे दोस्तों। लेकिन देखिए, और छोटी सी जगह में वो तैयार भी कर रहे हैं, अच्छी तरीके से किया है, खुला रखा हुआ है। तो सर आपने बताया कि जो पहले आप शुरुआत में बुल लाए थे वही बुल था, या उसके बाद लाए थे? हमने बनी से 15 साल में 3 बुल बदले हैं। पहली बार लाया था, उसके बाद लाया था, और इस बार 2 साल पहले लाया था। उसकी कटड़िया हमने 6 कटड़िया लिए और सभी भैंस उससे कापण है, क्योंकि हर बार जब उसकी कटड़िया आ जाती है तो बुल को बदलना पड़ता है, क्रॉस ब्रीडिंग ना हो इसीलिए। तो सर हम एक सवाल आखिरी में पूछेंगे कि जो हमारे हर किसान साथी जानना चाहता है कि आपका कितना मिल्क पिछले साल का हुआ था और कितनी भैंसों में से आपने भरवाया था, वो हमें बताइए। हमने जो वीडियो में बताई है, हमारे पास 8 भैंस थी और इसमें 4 तो फर्स्ट लैक्टेशन हमारे फर्स्ट टाइमर थी, और हमने पूरे साल का हमारे पास 8 भैंस में नीचे 7 कटड़िया थी, 6 बच्चे थे, और हमने पूरे साल का दूध हमने
करवाया था। देखिए सर ने स्क्रीनशॉट ली हुई है और दिखा रहे हैं अमूल की एप्लीकेशन है उसमें से 975,000 975,637 रुपये का सर ने। और हमने घर पर घी खाया और हमारे घर पर जो दूध हम ले जाते हैं सुबह 3 लीटर, शाम को 3 लीटर, 6 लीटर हमारे घर पर, और 6 कटड़ियाँ तैयार की है और सभी का हमने पुणे 10 लाख का दूध हमने भरवाया है। तो मतलब अभी 1 लाख से ऊपर का एवरेज हर पैसे हमारी दर एक भेजना सवा लाख के आसपास दूध है, 1.25 लाख का। और अभी अगर पूरा मिल्क भरवाया होता तो बेनिफिट वे भी है ना कि कटड़िया भी तैयार हो रही है और हम भी 5 कटड़ी तो ये हमारी छोटी है और एक 8 महीने की कटड़ी है वहाँ पे, 6 कटड़ी, 8 जो हमारी बफेलो थी इसमें 6 कटड़ी थी हमारी। और हमारा मिल्क भी जो घर में हम रखते हैं वो भी फ्री में हो जाता है, फ्री में हो जाता है, और घी हम जो खाते हैं वो भी फ्री में हो जाता है। तो सर मैंने पूरा जो दूध हमारे 8 भैंस का मैंने जो डेयरी में भरवाया होता तो शायद 1.5 लाख के आसपास एक भैंस का दूध, एक भैंस का 1.5 लाख एवरेज आती। तो सर अभी आपके जो आपका पूरा अभी आज के टाइम का बताइए, आज की पूरे दिन का कितना खर्चा हो जा रहा है और कितना मिल्क निकल रहा है, क्योंकि आज तो आपका डेयरी फार्म मतलब पूरी काफ़ी बेसे ड्राई में चल रही है। तो आपका फार्म किस हाल में है आज की अगर बात की जाए तो खास करके? अभी तो पूरे साल के अंदर जो भैंस का लैक्टेशन पीरियड है ना, ज़्यादा लैक्टेशन पीरियड वो और ड्राई पीरियड में तो बहुत ही तफावत होता है। अभी तो हमारा दूध मिल्क कम है, मैं आपको सुबह का मैसेज दे देता हूँ आखिरी 15 दिन का। हमारा इस 15 दिन का दूध हुआ है 20,000 के 15 दिन का, यानी पूरे एक महीने का 40,000 का दूध ड्राई पीरियड में चल रहा है। अभी सभी पेड़ ड्राई पर है, एक दो महीने तक ही हमें उसका दोहन करेंगे, बाद में छोड़ देंगे। और हमारी फर्स्ट टाइमर जो 2-3 कटड़िया बियाई थी वो अब 1-1 महीने 2-2 महीने में बिया जाएगी। तो अभी आपके फार्म का खर्चा कितना हो जाता है? खर्चा तो अभी तो ज़्यादा है, चारा का सब मिला के, लेबर का सब मिला इस साल में तो चारे का भाव भी ज़्यादा है। हाँ 10-12 रुपये, 10-12 रुपये। अभी तो हमारा जो आंकड़ा है, सब लोग कहते हैं कि इसमें नफा है, तो अभी तक तो नफा नहीं है, लेकिन हमारा नफा हम एक ही में जो देखते हैं, जो हमारा हम घी खाते हैं, दूध खाते हैं और हमारी कटड़ियाँ तैयार होती है ना, और हमारी जो बनास डेयरी से बोनस मिलती है और हमारी मंडली से बोनस मिलती है, वही हमारा नफा है। तो अभी ड्राई में चल रहा है तो अभी तो मतलब कोई नफा है? अभी तो नफा नहीं है, अभी तो उसका जो हम निभाव खर्च चल रहा है, निभाव खर्च चल रहा है, लेकिन पीक ऊपर आएगी तब हमें बेनिफिट जरूर मिलता है। तो सर हमारा लास्ट क्वेश्चन कि आप हमारे किसान साथियों को बताइए कि कौन सी नस्ल के साथ पहले भैंस या गाय के साथ, और भैंस में करें कि कौन सी नस्ल के साथ या गाय में करें तो कौन सी नस्ल के साथ हम डेयरी फार्म की शुरुआत कर सकते हैं? देखिए हमारे गुजरात की सिस्टम थोड़ी कमज़ोर चल रही है, जो हमारा दूध है अच्छा दूध प्योर दूध हमारा जो है वो भैंस का 40 से 45 लीटर तक डेयरी में हम भराते हैं, और गाय का दूध है वो 30-25-30 रुपये, और HF में और भैंस के दूध में ज़्यादा तफावत नहीं है, क्योंकि ये 45 रुपये तक जाता है और वो 25 रुपये तक जाता है, और गाय का दूध से खाली भैंस का दूध 20 रुपये ही ज़्यादा रकम मिलती है। और ये सिस्टम हमारी बनास डेयरी और सभी हमारी जो है ना डेयरिया गुजरात की वही भाव में थोड़ा सुधार लाए, क्योंकि भैंस का दूध अभी तक 55 से 60 रुपये तक हो तो खेड़ू को अच्छा निभाव हो जाता है। तो फिर भी अगर कोई शुरू करना चाहे तो कौन सी नस्ल से करना चाहिए, गाय या भैंस, किससे करेगा तो उसको मतलब थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन सरब्रस हो रहा है जब ब्याती है तब नफा होता है, लेकिन और बिजनेस से तो अच्छा रहता होगा। जो भी नए पशुपालक जो खरीदना चाहे तो मैं तो ये कहता हूँ अच्छी नस्ल की भैंस हो गाय खरीदे, HF हो या बनी नस्ल हो या मुरा नस्ल, लेकिन दूध वाली ही खरीदे, क्योंकि अभी दूध का ही भाव है। आप सिंग पर काम करोगे और उसके जो रूप पर काम करोगे तो आपको घाटे में जाना पड़ेगा, इसलिए जो हमारे हरियाणा में जो दूध पर काम हुआ है, पंजाब में HF पे काम हुआ है दूध पर, हमें दूध पर ही जाना पड़ेगा गुजरात वालों को। तो पहले स्टार्ट करते हैं तब तो हमें दूध पर ही जाना पड़ेगा, दूध पर ही जाना पड़ेगा। तो जब 5-7 साल के बाद हमें उसको अच्छी दिखाई दे, कोई भी पशु हो, HF गाय हो या बन्नी हो या कोई भी हो,
उसका अच्छा रिजल्ट लेने के लिए 7 जनरेशन तक जाना पड़ेगा आपको। 7 जनरेशन तक जाएगी तो बढ़िया रिजल्ट, तो बढ़िया बढ़िया। और वो भी अच्छा बुल का सीमन यूज करो तब, वरना गलत बुल का सीमन यूज हो गया तो आपका 3 साल वेस्टेज जाएगा, वेस्टेज जाएंगे एक कटड़ी के पास, क्योंकि कटड़ी 3 साल तक बच्चा देती है तब उसका रिजल्ट मिलता है कि कैसा रिजल्ट है। तो सर ने हमें अच्छी जानकारी दी। तो सर हमारी चैनल पे टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।